हेलो। तो आज हम बात करेंगे फैब्रेक्स प्लस सिरप के बारे में, जो कि एक एंटी कोल्ड सिरप है, कॉमन कोल्ड के प्रॉब्लम में प्रयोग की जाती है बच्चों में, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसे साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये फैब्रेक्स प्लस सिरप जो कि इंडिगो रेमेडीज लिमिटेड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 110 रुपए है, जो कि 100 ml पैक में अवेलेबल है। दोस्तों ये सिरप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं पैरासीटामोल 125 mg, फेनिलफेरिन, हाइड्रोक्लोराइड IP 5 mg एंड क्लोरोफेरिमाइन मेलेट 1 mg। 3 साल से बनाई सिरप। ये बच्चों का सबसे बढ़िया सिरप है और बच्चों के लिए ही होती है एंटी कोल्ड सिरप, और काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया इस सिरप पे। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं इस सिरप को। नंबर 1, खांसी हो नजला हो उसमें यूज करवा सकते हैं। नंबर 2, बार बार छींक आना तो उसमें भी यूज करवा सकते हैं। नंबर 3, नाक से पानी बहना तो उसमें भी यूज करवा सकते हैं। नंबर 4, खांसी नजले के साथ साथ अगर बुखार हो बच्चों को तो उसमें भी यूज करवा सकते हैं। नंबर 5, एलर्जी हो तो उसमें भी यूज करवा सकते हैं। नंबर 6, नाक बंद हो तो उसमें यूज करवा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम्स में यूज करवा सकते हैं, नजला हो, खांसी हो, बुखार हो, तो उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें इस सिरप को। तो दोस्तों इस सिरप को बच्चे के एज, वेट और कंडीशन के हिसाब से यूज करवाया जाता है। कैसे करना है दोस्तों, बच्चे के एज देख लीजिए, वेट और कंडीशन देख लीजिए, क्या कंडीशन है तो उसके हिसाब से यूज करवा सकते हैं। 3 से 5 ml तक दिन में 2 से 3 बार यूज करवा सकते हैं, और यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर लेना। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस सिरप का ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। बाय दफा कोई केस में ये दिखे तो बिल्कुल भी घबराए नहीं, जैसे कि सुस्ती, नींद आना इत्यादि दिखे तो ये नॉर्मली है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा हो तो यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था हमारी वीडियो फैब्रेक्स प्लस सिरप के बारे में। और दोस्तों इस तरह सिरप में और भी कई कंपनी के सिरप अवेलेबल हैं, जैसे कि मैक्सट्रा पी सिरप, वीकोरिल सिरप, सीनरेस सिरप, सोलविन कोल्ड सिरप, जो कि दोस्तों सिरप एक ही होती है, बस कंपनी अलग है, वर्क और इंग्रेडिएंट दोनों सेम होती है। तो आप इनमें से कोई सा भी परचेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।